हेलो गाइस, लेट अस रीड टुडे लेसन नंबर फिफ्टीन फ्रॉम क्लास सैवनथ हेलन केलर तो लेट अस रीड द लेसन कैप्टन आर्थर केलर एंड केट एडम्स केलर लिव्ड इन तस्कोम्बिया अ टाउन इन नॉर्थ बेस्ट अलबामा यूएसए मीन कैप्टन आर्थर केलर और केट एदम केलर ये तुस्काम्बिया में एक छोटे से कस्बे में जो कि नॉर्थ वेस्ट मेन उत्तर पश्चिम अलबामा में है यू एस ए में दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन ट्वेंटी जून एटीन हंड्रेड उनके जहाँ एक बेबी गर्ल मीन एक बच्ची पैदा हुई सताईस जून अठारह सौ अस्सी को दे नेम्ड हर हेलन उन्होंने उसका नाम एलन रखा शी वाज हेल्दी चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स इन वाचिंग हर ग्रो वह एक स्वस्थ बच्चा था और उसके माता पिता उसे बढ़ते हुए देखकर बड़े आनंदित होते खुश होते द फैमिली वाज नॉट रिच वेरी रिच परिवार इतना ज़्यादा अमीर नहीं था कैप्टन केलर वाज अर्लियर इन द आर्मी कैप्टन केलर पहले सेना में था एड लेटर ही अर्नड लिविंग एज बोथ आ कॉटन प्लांटेशन ओनर एड द एडिटर ऑफ आ वीकली लोकल न्यूज़ पेपर द नॉर्थ अलवेनविन मेन बाद में उसने अपना जो जीविका थी वो कॉटन प्लांटेशन ओनर के रूप में और एक अडिटर वीकली जो न्यूज़पेपर लोकल न्यूज़पेपर निकलता था जिसका नाम था नॉर्थ अल्बेमियम हैलनस मदर वाज आल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन हेलन की माता भी प्लांटेशन में काम करती थी बैन हेलन वाज नाइनटीन नाइनटीन मंथ ओल्ड जब हेलन उन्नीस महीने की थी शी फैलिल वह बीमार पड़ गई द डॉक्टर्स सेड से डॉक्टरों ने कहा दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ब्रेन फीवर के उसको ब्रेन फीवर हो रहा हो गया है बैन द फीवर सबसाइडेड जब बुखार उसका ठीक हो गया हैलन अपीयर टू बी वेल हैलन देखने में ठीक लगने लगी बट अनफॉर्चुनेटली परंतु दुर्भाग्यवश इन रियाल्टी शी वाज फार फ्रॉम दैट तो वो इससे कहीं दूर थी रियलिटी में कहीं दूर थी मीन ठीक नहीं हुई थी दुर्भाग्यवश आगे हेलन स्टॉप रिस्पोंडिंग टू साउंड्स साइट्स एंड सिंपल एक्शंस हेलन ने ध्वनि को दृश्यों को और सिंपल जो एक्शंस होते थे मीन साधारण जो काम होते थे उनका जवाब देना छोड़ दिया शी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टेयरिंग एट द सनलाइट वह सूरज के प्रकाश को देख कर के भी अपनी पलक नहीं जपकती थी शी नीदर रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स क्लैप्स नॉर टू द ब्राइट लैम्प दैट हर मदर ब्राइट इन फ्रंट ऑफ हर ना तो वह अपने पिता की तालियों का कोई जवाब देती और ना ही उसकी माता जो एक ब्राइट लैम्प मेन लेकर के उसके सामने आती उसका कोई रिस्पॉन्स देती कोई उत्तर देती इट वॉज़ एविडेंट जी जाहिर हो चुका था टू द केलर्स केलर फैमिली को दैट हेलन हैड बिकम बोथ ब्लाइंड एंड डेफ सो नेक्स्ट आता है हमारा द चलेंज एंड हर्डर्स अड फॉर द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड वर नाट ईजी टू ओवरकम मेन आने वाले जो मुसीबतें और चेतावनी थी मात पिता के लिए और बच्चे के लिए इनको काबू कर पाना इतना आसान नहीं था दर्स दैट फॉलोड वर पेनफुल एंड टमटाइजिंग जो साल आगे आने वाले थे वो बड़े ही दर्दनाक और घाव कर देने वाले थे नाट ओनली फॉर हेलन सिर्फ़ हेलन के लिए नहीं बट आल्सो हर फैमिली परंतु उसके परिवार के लिए भी हेलन बिकेम अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्ड हेलन बहुत ही एक मुसीबत वाला बच्चा बना शी थ्री यू तंत्रम्स एंड स्क्रीम्ड एट एवरीबॉडी वह वह हर वह हर किसी पे नाराज हो जाती गुस्सा करती क्रोध करती और uh, हर किसी पर चिल्लाती हिज बिहेवियर बिकेम अनरीजनेबल उसका जो व्यवहार था वो अनुचित आकार बना एंड इट अपसेट द कैलर और इससे कैलर जो परिवार था वो बड़ा अपसेट हुआ पीपल नो टू द फैमली जो पीपल परिवार को जानते थे पीपल नो टू द फैमली एडवाइज दैम दैट शी शुड बी पुट इन टू एन इंस्टीट्यूशन फॉर द डिसबल्ड पर लोग जो उसके परिवार को जानते थे उनके परिवार को जानते थे उन्होंने सलाह दी कि वो इसको किसी विकलांग विद्यालय में दाखिल करवा दें चिल्ड्रन रिफ्यूज टू प्ले चिल्ड्रन रिफ्यूज टू प्ले चिल्ड्रन रिफ्यूज टू राइट चिल्ड्रन रिफ्यूज टू प्ले विद हर बच्चे उसके साथ खेलने से मना करते एंड हैलन बिकेम एंड इल टेम्पर्ड मिजरेबल एंड लोनली चाइल्ड और इससे हेलन जो थी वो इल टेम्पर्ड हो गई मीन एंग्री एंड इरीटेटेड हो गई क्रोध बाली और चिड़चिड़ा सा उसका स्वभाव हो गया मिजरेबल हो गई वेरी अनहैप्पी एंड अनकम्फर्टेबल एंड लोनली चाइल्ड और वो अकेद में रहने लगी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेदा हैबी हार्ट बड़े बड़े दिल से हर मदर से उसकी माता कहती हैलन्स बिहेवियर इज गेटिंग बर्स हैलन का व्यवहार बहुत बुरा होता जा रहा है बट शुड बी डू हमें क्या करना चाहिए द सॉफ्ट हार्टड फादर वुड सिंपली रिप्लाई वो नर्म दिल पिता एक साधारण उत्तर देता वी कैनट पंश ए चाइल्ड हु डज नॉट अंडरस्टैंड बट शी इज़ डूइंग एंड वट शी शुड डू हम उस बच्चे को कोई भी धंड नहीं दे सकते जबकि वो जानती नहीं है कि वो क्या कर रही है क्या उसके लिए ठीक है और क्या उसे करना चाहिए द कैलर्स नो नीड नीड प्रोफेशनल गाइडेंस कैलर्स परिवार को अब चाहिए था कोई पेशेवर मार्गदर्शक जो उसका मार्गदर्शक मार्गदर्शन करता दे रोट अबाउट हैलन टू मिस्टर माइकल एगनूस डायरेक्टर ऑफ द परन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इन बॉस्टन इन मासाचूट्स मेन उन्होंने हेलन के बारे में डॉक्टर माइकल एन एनगनूस जो कि डायरेक्टर ऑफ परकन इंस्टीट्यूट जो अंदों के लिए था बॉस्टन में इन मासाचूट्स माइकल एन एनगनस कंसिडर्ड हेलन्स केस एंड इमीजिएटली रिकमेंडेड ए फार्मर स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट टू बी हैलन्स टीचर माइकल एन माइकल एनगन ने हेलन के केस पर विचार किया और तुरंत ही उनका जो उस विद्यालय का एक स्टूडेंट था विद्यार्थी पहले पढ़ चुका था उसको हैलन के टीचर के रूप में भेज दिया शी वाज एनी सुलेबन वो उसका नाम था एनी सुलेबान द लेडी हु चेंज्ड हैलनस लाइफ वो औरत जिसने जिसनेलन के जीवन को बदल दिया परिवर्तन कर दिया एनी हैड पोअर विजन हर सेल्फ एनी की अपनी भी दूरदर्शिता बड़ी कम थी बट शी वाज कीन टू वर्क एंड अर्न लिविंग ऑन हर ओन परंतु वह अपनी जीविका कमाने में खुद कमाना चाहती थी और खुद रहना चाहती थी बट शी वाज कीन टू वर्क परंतु उसे काम करने में बड़ा शौक था एंड अरन ए लिविंग ऑन हर ओन और वह स्वयं अपने लिए अपनी जीविका कमाना चाहती थी टीचर so इसलिए उसने हेलन का अध्यापिका बनने के लिए स्वीकार किया थर्ड मार्च स्वीकार हंड्रेड एटी सेवन तीन मार्च अठारह सो सतासी को एनी एट द हाउस इन तस्कोम एडमेट हेलन केलर वो तीन मार्च अठारह को तो को तउस्कोम्बिया में उसके घर आई और वो हैलन केलर से मिली एनी स्टार्टर टीचिंग हेलन टू फिंगर स्पेल एनी ने उसको उंगलियों पर व्याख्या करना सिखाया शी टाट हार द लैंग्वेज ऑफ टच उसने उसको स्पर्श की जो भाषा थी वो सिखाई वंस हैलन वाज प्लेइंग विद द डाल एक बार हैलन एक गुड़िया के साथ खेल रही थी एनी स्पेल्ट आउट द वर्ड डॉल डी ओ एल एल एनी ने उसके गुड़िया की व्याख्या की और लिखा डी ओ एल एल ऑन हेलन पॉलम हैलन की हथेली पर दिस वाज़ द फर्स्ट वर्ड ये पहला शब्द था दैट हैलन लर्न टू स्पेल जिस की हैलन ने सबसे पहले व्याख्या सीखी थी विद ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन बड़े ही धैर्य और निष्ठ भावना से और निष्ठ भावना से निष्ठा से एनी कंटिन्यूड विद हर टीचिंग एनी ने उसको पढ़ाना जारी रखा वैन हैलन पैटर्ड द डाग कैट जब हैलन बिल्ली के साथ खेलती एनी वुड राइट एनी रोट कैट ऑन हर पालम एनी उसके हाथ पर सी ए टी कैट बिल्ली लिख देती एंड बेन शी ड्रैंक मिल्क और जब वह पानी पीती शी फेल्ट लेटर्स एम आई एल के मेल्क बींग रिटन ऑन हर पालम और जब वह दूध पीती तो उसके हाथ पर वो एम आई एल के मिल्क लिख देती उसकी हथेली पर दिस हेल्पड हेलन टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ वेरियस थिंग्स इससे हेलन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा एंडसी फोन्डे नावल वाई नोबल वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स और उसने लोगों के साथ संपर्क करने का एक साधारण तरीका आ, सीख लिया नाओ नेक्स्ट आता है एनी हैड टू वर्क ऑन हेलन बिहेवियर एनी को हेलन के व्यवहार पर भी काम करना था हेलन वाज ड्यू टू पीपल हेलन लोगों से बड़ी रूट रहती थी मोर ओवर हर इम्प्लॉयड टेबल मैनर्स उसके मतलब इसके अतिरिक्त तो उसके जो इम्प्लॉयट टेबल मैनर थे खाने के एंड हर सोशल बिहेवियर नीडेड अटेंशन और उसका जो सामाजिक व्यवहार था उसे ध्यान देने की ज़रूरत थी एनी इंसस्ट एनी ने कहा दैट हैलन शुड ड्रेस हर सेल्फ एंड ब्रुश हर ओन हेयर मीन एनी इन सिस्टर दैट हेलन शुड ड्रेस हर सेल्फ कि एनी खुद ही अपने कपड़े पहनेगी एंड ब्रुश हर ओन हेयर और खुद ही अपने बालों को संभारेगी कंगी करेगी ऑल दिस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल एंड पेशेंस इस सभी ट्रेनिंग के लिए अभ्यास के लिए बड़े एनी पुण्यता और धैर्य की जरूरत थी ईच टाइम हैलन डिसोबेड और मिसबिेव्ड हर समय हैलन डिसोबे करती थी या मिसबिहेव करती थी मीन आज्ञा का उल्लंघन करती थी एनी पनिशड हर बाई नॉट टॉकिंग टू हर एनी उसे उससे बात ना करके उसे दंडित करती थी हेलनस कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड वाज लार्जली थ्रू एनी मीन हेलन का जो संपर्क था संसार के साथ वो ज़्यादातर एनी के एनी के माध्यम से था सो सी हेटेड द आइडिया ऑफ एनी बिकमिंग एंग्री विद हार इसलिए उसने ये विचार नफ़रत का विचार निकाल दिया कि एनी जो है वो न, वो उसके साथ नाराज नहीं होगी हेलन के साथ नाराज नहीं होगी सून हेलन लर्न टू अबे एंड बिहेव वेल जल्दी ही हेलन ने आज्ञा का पालन करना और अच्छी तरह से व्यवहार करना सीख लिया एनी टू के हेलन फॉर बॉक्स एनी हेलन को सैर के लिए ले जाते एट दे डिड हॉर्स राइडिंग और वो हॉर्स राइडिंग भी करते घुड़सवारी भी करते हेलन जॉय एनिस कंपेनियनशिप हैलन को मीन हेलन को एनी का साथ बड़ा अच्छा लगता था द डे डेलर लर्न टू स्पेल वाटर जिस दिन हेलन ने पानी की व्याख्या के बारे में सीखा ए न्यू इंस्पायरेशन सेट इन हर तो एक उसके अंदर प्रेरणा नई प्रेरणा उसके अंदर आई एंड हर प्रोग्रेस इन लर्निंग वर्ड्स मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड और उसके शब्द सीखने की क्षमता में कई गुना बढ़ गई दैट दैट एक्सपीरियंस चेंज हर एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग मेन दैट एक्सपीरियंस मेन इस अनुभव ने उसके लर्निंग के लिए आटीट्यूड को बदल दिया दैट डे उस दिन हेलन बाज सो इंस्पायर्ड वो इतनी प्रेरित हुई थी दैट विदिन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अगले कुछ चंद ही घंटों में शी लर्न द स्पेलिंग ऑफ थर्टी न्यू वर्ड्स उसने तीस नए शब्दों को स्पेल करना समझना अंडरस्टैंड करना जान लिया बीच इंक्लूडेड मदर जिनमें वो शब्द थे माता एंड द टीचर और टीचर एनी टाट हर टू स्पेल बेबी एनी ने उसको बेबी के बारे में बताया व्याख्यान किया व्याख्या की बेन हेलन टचड हर जंगर सिस्टर जब हैलन अपनी छोटी बहन को टच करती स्पर्श करती शी इवन स्पेल्ड आउट हैलन केलर उसने उसको हैलन केलर का भी वो बताया उसके बारे में भी व्याख्या की हंस हैलन हैलन रिकॉर्ड हर रिकार्ड लेटर हैलन ने बाद में ये कहा है आई वॉज वार्न अगेन दैट डे मैं उस दिन दोबारा मेरा जन्म हुआ था आई हैड बीन आ लिटल गोस्ट इन नो वर्ल्ड मैं इस मैं एक छोटी सी गोस्ट थी एक बूथ थी इस नो वर्ल्ड में इस किसी भी संसार में नहीं नो वर्ल्ड वर्ल्ड हो नो no मीन नहीं संसार किसी भी संसार में मैं एक छोटी सी क्या थी भूत थी गोस्ट थी नाउ आई न्यू माई नेम अब मैं अपना नाम जानती हूँ आई एम अ पर्सन मैं एक व्यक्ति हूँ आई कुड अंडरस्टैंड पीपल एंड मेक देम अंडरस्टैंड मी मैं लोगों को समझ सकती हूँ और उनको समझा भी सकती हूँ वन मॉर्निंग एक सुबह को हेलन स्पेल्ड आउट अ कंप्लीट सेंटेंस एक सुबह को हैलन ने पूरा भाग्या एक कहा डाल इज़ ऑन बेड डाल मेज बेड पर है गुड़िया कहाँ पर है बेड पर है तो मोटिवेटेड बाय द प्रोग्रेस दैट हेलन हैड मेड मेन इससे मोटिवेटेड हो प्रेरित होकर की सुनती से जो हैलन ने बनाई थी ली थी अचीव की थी एनी सेड एनी ने कहा टमारो आई शल टीच यू टू रीड कल मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊँगी एनी बिगेन टू टीचिंग हेलन टू रीड एनी ने हेलन को आई मीन पढ़ने पढ़ने पढ़ना सिखाया शी फर्स्ट रीड रेज लेटर्स पहले उसने शी शी फर्स्ट रीड अरेज लेटर्स पहले उसने उभरे हुए अक्षरों को पढ़ा एंड लेटर रीड विद ब्रैल और फिर ब्रैल के साथ पढ़ी शी लर्न टू राइट विद बोथ आर्नरी एज वेल एज ब्रेल टाइप राइटर उसने दोनों ही आम रास्ते से ऑर्नरी असाधारण से और बरेली टाइप राइटर से भी उसने लिखना सीख लिया शी वॉज वेल ऑन द बोथ टू बिकम अ वेल एजुकेटेड पर्सन वह दोनों रास्तों में ठीक थी ठीक है और बिकमिंग ए वेल एजुकेटेड पर्सन वो एक अच्छी मीन uh, पढ़ी लिखी बन सकती थी व्यक्ति बन सकती थी शी बाज गिवन ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हर अबिलिटीज एंड हैलन मेड द बेस्ट यूज ऑफ देम शी बाज गिवन ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज मीन उसको हर मुमकिन जो मौके दिए गए टू डेवलप हर अबिलिटीज अपना योग्यता का विकास करने के लिए एंड हैलन मेड द बेस्ट यूज ऑफ देम और हेलन ने उसका पूरा पूरा लाभ लिया हैलन डिपेलवर्ट ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड सी इवन विजटेड प्रेजिडेंट क्लीवलैंड एट द वाइट हाउस मीन हेलन ने इसका पूरा पूरा हेलन डिपेलवर्ट ग्रेट कॉन्फिडेंस हैलन को इससे बहुत सारा आत्म विश्वास बढ़ा एंड सी और उसने इवन प्रेजिडेंट क्लीवलैंड वाइट हाउस में वहाँ भी गई इन एटीन हंड्रेड नाइन्टी अठारह सौ नब्बे में एट द एज ऑफ टेन जब उसकी आजू लगभग दस वर्ष की थी हेलन मूव टू द परकिन इंस्टीट्यूट हेलन परकिन इंस्टीट्यूट में गई हेयर एनी कंटिन्यू टू तो टीच हर जहाँ एनी ने उसे पढ़ाना जारी रखा हेलन मेड फ्रेंड्स विद द अदर ब्लाइंड चिल्ड्रेन इन द इन द इंस्टीट्यूट हेलन ने जो वहाँ पे विद्यालय थे दूसरे अंदे उनके साथ मित्रता की हर लोनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर उसका जो एकांतपन था वो डिसअपियर हो गया मीन ओझल हो गया चला गया एंड हर प्रोग्रेस इन लर्निंग इम्प्रूवड और उसकी सीखने की जो शक्ति थी वो और बढ़ने लगी शी लर्नड लेटन जर्मन एंड अर्थेमेटिक उसने लेटन जर्मन और अर्थेमेटिक की पढ़ाई की शिक्षा ली इन एटीन हंड्रेड नाइन्टी फोर मिनट अठारह सौ चौरानवे में, में हेलन एंड एनी मैट जोन डी राइट एंड डॉक्टर थोमस हमसन मिनट अठारह सौ चौरानवे में, में हेलन और एनी जोन डी राइट और डॉक्टर थोमस हमसन से मिले बार प्लानिंग टू सेट अप आ स्कूल टू टीच स्पीच टू द डेफ इन द न्यू यटी जो एक योजना बना रहे थे कि डेफ को कैसे पढ़ाया जाए मीन घुगों को कैसे पढ़ाया जाए न्यू यॉर्क सिटी में तो वहाँ एक पाठशाला खोलने चाहते थे उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे थे हेलन अटेंडेड द राइट हमसन स्कूल फॉर द डेफ हेलन ने राइट हमसन स्कूल जो गुंगों के लिए था वहाँ पे रही अनफॉर्चुनेटली हैलन स्पीच नेवर रियली इम्प्रूव बिजाइड द साउंडस दैट ओनली एनी एंड द अदर वेरी क्लोज टू हर कुड अंडरस्टैंड मीन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हैनी की हैलन की जो स्पीच थी वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी बिजाइट द सांड्स दैट ओनली एनी सिर्फ एनी और उसके जो बड़े क्लोज थे वही उसको समझ सकते थे बट द फैक्ट दैट शी कुड कम्युनिकेट वाज एन अफ फॉर हैलन टू मूव अ हैड इन लाइफ बट द फैक्ट परंतु असल में दैट शी कुड कम्युनिकेट वो संपर्क कर सकती थी वाज इनकर्जिंग इससे उसको इन्करज हो रही थी एन एनअफ फॉर हैलन टू मूव अ हैड इन लाइफ कि वो अपने जीवन में और आगे बढ़े हेलन विश टू स्टडी न कॉलेज बट बिफोर दैट शी हैड टू

since helen could not afford the fee uh, helen kyunki helen jo apni fees nahi de ada nahi kar pa sakti thi mark twain the famous atara adventures of tom sawer man mark twain jo ke ek adventure of tom sawer jisne ek kahani likhi uska jo prasiddh lekhak hai usne and some of his friends aur uske kuch doston ne paid for her education उन्होंने उसकी विद्या के लिए एजुकेशन के लिए पैसे अदा किए इन <coughs> 1896 में अठारह में हेलन मूव्ड ऑन टू द कॉम्ब्रिज स्कूल फॉर जंग लेडीज़ इन मासचूथ्स में अठारह में हैलन कॉम्ब्रिज के स्कूल में जो जंग लेडीज़ के लिए था मासाचूथ्स में वहाँ पे उसने प्रवेश किया दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी हु वाज डम डेफ एंड कुड नाट एंड कुड बरेली प्रोड्यूस सौंडस फॉर द कम्युनिकेशन्स जे उस औरत के लिए जो घूंगी थी अंधी थी उसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा कारनामा था अचीवमेंट थी कुड नाट ब्रेली प्रोड्यूस साउंडस ऑफ कम्युनिकेशन्स जो बड़ी मुश्किल से संपर्क करने के जो साउंडस थी ध्वनिया वो प्रोड्यूस कर सकती थी बोल सकती थी हेलन बर्कड वेरी हार्ड एट स्कूल हैलन ने पाठशाला में बड़ा कठोर परिश्रम किया एंड डि नॉट डिसंट डिसअपॉइंट हर बैनी फैक्टर्स और उसने उसकी सहायता करने वालों को निराश नहीं किया बैनी फैक्टर्स मीन जहाँ जो उसकी सहायता करने वाले थे शी बिगेन राइटिंग पोइम्स एंड स्टोरीज उसने कविताएँ और कहानियाँ लिखना शुरू किया शाली बिफोर हर एग्जामिनेशन आदा अपनी परीक्षा से कुछ समय पहले हेलन लास्ट हर फादर हैलन ने अपने पिता को खो दिया आल तो इमोशनली डिस्टर्ब हालांकि वो इमोशनली बड़ी डिस्टर्ब हुई थी हेलन डिड हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन हेलन ने अपने उस परीक्षा में फिर भी अच्छा किया एनी कुड नाट एनी कुड नाट अ कॉम्पनी हेलन टू द एग्जामिनेशन हॉल एनी हेलन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में ना जा सकती थी ए टीचर स्पेल्ड आउट द क्वेश्चन इन हेलन से हैंड एक अध्यापका उसके हेलन के हाथ पर क्वेश्चन लिखती एंड हेलन टाइप्ड आउट द आंसर और हेलन जो थे उसके उत्तर लिख देती लिख देती द फॉलोइंग बीक शी लर्न दैट शी हैड पास्ट ऑल द सब्जेक्ट्स और अगले ही हफ्ते उसने सुना के वो सब विषयों में पास हो गई है इन 1900, हंड्रेड में हेलन इंटर रेड क्लिफ़ कॉलेज हेलन रेड क्लिफ़ कॉलेज में उसका प्रवेश हुआ बिकमिंग द फर्स्ट डफ़ ब्लाइंड पर्सन टू हैव एवर इनरोल्ड एट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग वो पहली डफ़ ब्लाइंड मीन घुंगी और अंधी व्यक्ति थी जिसका इस हायर लर्निंग के लिए मीन उच्चतम पढ़ाई के लिए किसी विद्यालय में प्रवेश था द गर्ल्स इन हर क्लास बर फ्रेंडली एंड दे इवन अलेक्टेड हर वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द क्लास मिन लड़कियों उस कक्षा में जो थी, उन्होंने उसके साथ मित्रता की और जहाँ तक कि उसे क्लास का उपराष्ट्रपति का पद भी दे दिया मेन नियुक्त कर दिया हेयर हैलन बिगिन टू राइट अबाउट हर लाइफ जहाँ हेलन अपने जीवन के बारे में लिखने लगी शी रोड द स्टोरी बोथ इन ब्रेल एंड ए नॉर्मल टाइप राइटर उसने दोनों में अपनी कहानी लिखी ब्रेल में और नॉर्मल टाइप राइटर पर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन की कहानी वज़ अडिटेड बाई जोन मैकी जो जोन मैकी द्वारा अडिट की गई हु लेटर मैरिड एनी जिसने बाद में एनी के साथ शादी की द राइटिंग बाज पब्लिस इन मैगजीन इन 1903, 1903 जीरो लिखी हुई एक मैगजीन उन्नीस सौ तीन में शपी एंड सी बाज और इसके लिए उसे धन भी मिला हेलन सेड सेलन ने एक बार कहा बी द ब्लाइंड आर एज इन डेप्टर टू लुइस ब्रेल एंड मैन का टू गुटनबर्ग तो उसने कहा कि मैं उसकी रिन्नी हूँ किसकी मिन जिसने जे ब्रेल को बनाया मिन जो अंधों के लिए पढ़ने के लिए उसने जो ब्रेल लिपि जो थी बनाई तो लुइस ब्रेल को उसकी लिए मैं रिन्नी हूँ जैसे कि गुटनबर्ग उसकी रिन्नी है आम मानवता राइट सो so नेक्स्ट आता है ऑन ट्वेंटी एट जून 1904 28 जून 1904 को हेलन ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेड कॉलेज हेलन ने मैन रेड कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की हेलन बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचुलर ऑफ आर्ट्स डिग्री तो हेलन पहली वो डेफ ब्लाइंड थी जिसने बैचुलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री प्राप्त की हेलन ओफेट दैट शी मस्ट एजुकेट पीपल ऑन द वे टू हेल्प द ब्लाइंड हैलन ने अब जे महसूस किया कि उसे शी मस्ट एजुकेट पीपल कि उसे उन लोगों को एजुकेट करना चाहिए ऑन द बे उस तरह से टू हेल्प द ब्लाइंड जिससे जो ब्लाइंड हैं अंधे लोग हैं उनकी हेल्प हो सके मदद हो सके हर मेन गोल इन लाइफ वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड उसका जो जीवन का लक्ष्य था कि उन उन जो जो गरीब और नेग्लेक्टेड ब्लाइंड जो हैं उनकी जो अवस्था है आ, उसको उनमें जागृति लाना उनमें जागृति लाना का हर मेन गोल इन लाइफ उसका जीवन का जो गोल था लक्ष्य था बाय टू स्प्रेड अवेयरनेस के जागृति लाया जाए रिगार्डिंग द पोअर निगलेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड जो अवस्था जो अंधों की है गरीब ठीक है देयर इन नेट एबिलिटीज़ एंड देयर अस्पायरेशंस उनके भीतर की जो अबिलिटीज़ हैं उनमें जो योग्यताएँ हैं उनको जगाना एंड अस्पायरेशन और उन्हें प्रेरित करना शी हैड टू रेज फंड्स नॉट ओनली टू स्टेन ए लिविंग फॉर हर सेल्फ उसने फंड्स रेज़ किए सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं बट आल्सो टू स्टार्ट प्रोजेक्ट टू रिमूव डार्कनेस फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ अदर ब्लाइंड पीपल परंतु उसने जे प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट इसलिए किए टू रिमूव डार्कनेस के मीन जो अंधेरा है उनके जीवन में अंधों के अंधे लोगों के जीवन में जो अंधेरा है उसको वो हटा सके दस दिस सी थाट जे उसने विचार किया शी कुड डू बेस्ट बाय गिविंग लेक्चर्स जे उसने दिस सी थाट She could do best by giving lectures and writings. जी उसने विचार किया कि वो अपने lectures और writing के माध्यम से ऐसा कुछ कर सकती थी. She strongly felt that she must give the others, but she had gained from any उसने जी बहुत महसूस किया कि जो that she must give the others, कि उसे दूसरों को देना चाहिए, but she had gained from Annie. जो उसने एनी से प्राप्त किया है मीन जो उसने एनी से प्राप्त किया है वो उसे दूसरों में भी बांटना चाहिए दूसरों को देना चाहिए ताकि उनका जीवन भी धन्य हो सके ठीक है तो ये था आपका लेसन सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड मुझे पूरी आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे इफ़ देर ए नी प्रॉब्लम यू कैन कंटैक्ट अस अगर आपको कोई समस्या आती है आप हमें कंटैक्ट कर सकते हैं बाकी इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं दैट्स ओके विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव नाइस डे